हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस को लेकर के है और हमारी एक व्यूअर हैं जिनका नाम है श्वेता। इन्होंने पूछा है कि सर, जब भी हम ओपन ऑफिस में ई डेट फार्मूला यूज करते हैं तो ई डेट फार्मूला, तो पहले आप जान लीजिए यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगा करके यहाँ पे ई डेट लिखा जाता है, तो ये ई डेट यूज करते समय एरर आ जा रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है? तो देखिए, एरर आने का एक कॉमन कारण ये होता है ओपन ऑफिस में कि आप सीधा इक्वल टू लगाते हैं और यहां लगाते हैं ई डेट। ठीक है, अब ई डेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम 2 महीने बाद या 3 महीने पहले, 5 महीने बाद या 6 महीने पहले इस तरह की डेट को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी सवाल ये है कि यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, इसके सिंटेक्स में, तो यहां पर आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्टार्ट डेट है हमारा 1/1/2024, देख सकते हैं। अब फिर यहां पर आप सीधा कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगा करके 3 महीने बाद वाली डेट जो है पता करना चाहते हैं और बंद करके एंटर करते हैं, तो लीजिए ये एरर 508 शो होने लगता है। अब ये एरर इसलिए शो होता है कि ओपन ऑफिस में ये जो है सेमी कॉलन एक्सेप्ट करता है, कॉमा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि ये कॉमा एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सेमी कॉलन लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर ये इस तरीके का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये जो आंसर आ रहा है ये भी तो प्रॉपर नहीं है। हालांकि आंसर तो आपका आ गया है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, फिर इसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर जो आपका डेट का फॉर्मेट है उसमें कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एक नेविगेशन बार, इसको खींच करके इधर लाइए और नीचे आपको मिलता है ये नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट शायद आपको ऐसा यहां पे नीचे दिखाई देता होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा इस तरीके से जैसे मैंने कर लिया है। ठीक है, और एक्सपेंड करके इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइएगा और यहां पर देखिए जनरल दिया गया है, तो इसे बना लीजिएगा डेट। क्या बनाना है आपको, डेट बनाना है, तो यहां से डेट बना लीजिए। लीजिए आ गई डेट, तो 3 महीने बाद की डेट, तो 3 महीने बाद की डेट, चौथा महीना आएगा ही आएगा, तो यहां पर 3 महीने बाद की डेट निकली। अब यहां पर देखिए 2 महीने, -2 लिखने का मतलब 2 महीने पहले की डेट, ये 2023 है, 1/12/2023, तो 12 के पहले 11 महीना आता है, फिर क्या आता है 10 आता है। तो यहां पर अगर इसको मैं ड्रैग करता हूं नीचे तो आप देखेंगे कि यहां पर 10 वाला महीना आ गया और 2023 ही है, तो माइनस लिखेंगे तो ये पीछे ले जाएगा यानी बैक ले जाएगा, और अगर प्लस लिखेंगे तो उतना आगे ले जाएगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा जो कॉमा वाली और सेमी कोलन वाली है, तो सेमी कोलन ही लगाइएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इससे काम चल जाएगा आपका, और अगर कोई परेशानी हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।